हाय गाइस, जैसे कि आप लोग अभी अभी हम लोग देखे हैं पिछले ही लेक्चर में, जब इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट चल रहा था, हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ना था वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ना था। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ये सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हम लोग सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन में देखेंगे, सॉलिड स्टेट एक ऐसा स्टेट होगा जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होगा। जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन में समझे थे कि उसमें जो उसका जो पार्टिकल्स होगा वो बहुत क्या होगा, नियर होगा, मतलब बहुत ही क्लोज होगा। और उसका शेप हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब का सब क्या होगा, डेफाइनेट होगा, मतलब फिक्स होगा, है ना। और उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कुछ भी हो, वो हो सकता है क्या क्या, वो एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयन्स में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज में देखें सॉलिड स्टेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा। जैसे कि हम लोग पढ़े ये कंप्रेसिबल इन नेचर होगा, मतलब हम लोग सॉलिड को चाहे कैसे दबा दें, पुश करें, तो ये नहीं हो सकता है, वो हमेशा रिजिड, उसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, रिजिड होगा। रिजिड मतलब उसको कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, हमेशा फिक्स होगा, एक ही पोजीशन में जैसा का है वैसा ही फिक्स होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है, हम लोग जैसे कि अभी देखें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा एटम्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच, वो क्या होगा, बहुत ही शॉर्ट होगा, बहुत छोटा होगा। इसका मतलब कि उसके बीच, उसके अंदर का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। फिर इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके अंदर का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो भी क्या होगा, हम लोग फिक्स्ड होगा। तो हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। देखिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिखे हुए हैं सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड क्या है, हम लोग का स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का एक स्टेट है, मतलब पदार्थ का एक ऐसा स्टेट है इन विच कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल जो है आर अरेंज वेरी क्लोजली, उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, बहुत क्लोज में अरेंज होगा। एंड हैव, और वो रखता होगा क्या, डिफाइनेट मतलब फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। और उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जो वहाँ है, वो कौन क्या क्या हो सकता है, वो एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, और आयन्स भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आता है, जिसके हम लोग अभी इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जिसमें से हम लोग का फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि दे हैव, सॉलिड क्या है, सॉलिड हैव डिफाइनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। जो सॉलिड का, सॉलिड के पास क्या होता है, उसका मास, वॉल्यूम और शेप क्या होता है, वो डिफाइनेट मतलब यहाँ, मतलब ये देखो फिक्स, हमेशा क्या होगा, उसको फिक्स होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट जो आता है इसमें, इसका जो प्रॉपर्टीज में, कि दे आर कंप्रेसिबल इन नेचर एंड रिजिड, उसको जैसे कि हम लोग दबा नहीं सकते, पुश नहीं कर सकते, उसका रिजिड मतलब हमेशा उसका स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है सॉलिड स्टेट का, वो क्या होता है, बहुत शॉर्ट होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल समझ सकते हैं, ये एक सॉलिड स्टेट है, एक सॉलिड सब्सटेंस है जिसके अंदर का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली, ठीक है, इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वो बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब छोटा है। जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस छोटा होगा उसको तोड़ने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत मजबूत फोर्स से वो बंधा हुआ है, तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग का, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन, और उसके बीच का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स, वो हमेशा हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। और ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का चार पॉइंट था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक आता है, अब हम लोग सॉलिड, जैसे कि हम लोग उसके बाद जो सेकंड टॉपिक था इंट्रोडक्शन में ही देखे थे, सेकंड टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, हम लोग क्लासिफिकेशन करने का जो फर्स्ट तरीका था, क्लासिफिकेशन दो तरीके से हम लोग करेंगे। तो जो पहला तरीका है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का क्लासिफिकेशन करना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज है उसके आधार पर हम लोग सॉलिड स्टेट को कितना, किस तरीके से डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग अरेंजमेंट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पे दो तरीके से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है हम लोग का क्रिस्टलाइन सॉलिड, हालांकि आता है हम लोग का क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड आता है हम लोग का अमरफस सॉलिड। तो हम लोग फिर इसमें देखेंगे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, अमरफस सॉलिड क्या होता है, इसके इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, अमरफस सॉलिड क्या है, और इसके प्रॉपर्टीज क्या है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग देखे टाइप्स ऑफ क्लास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आधार पर अरेंजमेंट जो था वो दो टाइप से हम लोग सॉलिड को बांटे, पहला क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा अमरफस सॉलिड। हम लोग अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, देखो अमरफस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो अरेंज होगा रेगुलर वे में, ठीक है,
और अमरफा सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, इरेगुलर वे में। दोनों का इमेज दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका क्या होगा, हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा इसमें, इसे लॉन्ग रेंज सॉलिड, मतलब इसमें जो सॉलिड जो बनता जाएगा वो बहुत लॉन्ग, इसका जो रेंज होगा बहुत लंबा होगा, जबकि अमरफा सॉलिड का जो रेंज होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। और क्रिस्टलाइन इसका जो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही हाई होगा, होता है, क्योंकि अमरफा सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हम लोग का एक ट्रू सॉलिड है, जबकि हम लोग देखेंगे अमरफा सॉलिड क्या होगा, ये एक सूडो सॉलिड है। हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का और अमरफा सॉलिड का, फिर इसका हम लोग देखेंगे इसके बीच क्या डिफरेंस होता है। और दूसरा बात ये भी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एनान्सियोट्रॉपिक इन नेचर होता है, जबकि क्या होता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। बात आया एनान्सियोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। एनान्सियोट्रॉपिक मतलब कि ऑल डायरेक्शंस, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के हर एक डायरेक्शंस में अलग अलग प्रॉपर्टीज पाया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि इसके अलग अलग डायरेक्शन हम लोग जाएँ तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पाया जाएगा, जबकि अमरफा सॉलिड में अगर हम लोग डिफरेंट तरफ जाएंगे भी तो प्रॉपर्टी हर जगह एक ही जगह मिलेगा, ठीक है। ये हो गया एनान्सियोट्रॉपिक या आइसोट्रॉपिक। फिर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलता है यहाँ पे, दीज आर दी सॉलिड्स इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर ऑर्डर। बोलता है यहाँ पे दीज आर दी सॉलिड, वैसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो हम लोग अरेंज किसमें, रेगुलर ऑर्डर में, ठीक है, विद इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। और ये स्पेस कैसा होगा, थ्री डायमेंशनल स्पेस में होगा। इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। वैसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन कौन सा सॉलिड आएगा, जैसे NaCl एग्जाम में पूछ सकता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल, जैसे NaCl हो गया। NaCl कहाँ से मिलता है, रॉक सॉल्ट से। पोटासियम नाइट्रेट हो गया हम लोग का, पोटासियम ब्रोमाइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, ATC। ये सब एग्जाम्पल कैसे है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आता है अमरफा सॉलिड। अमरफा सॉलिड क्या है देखते हैं, जैसे हम लोग कि दीज आर दी सॉलिड, ये भी एक सॉलिड है, दीज आर दी सॉलिड, वैसा सॉलिड इन विच जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन इरेगुलर ऑर्डर। ये रेगुलर ऑर्डर में होगा, ये जबकि इरेगुलर ऑर्डर में, ठीक है। विद इन थ्री डायमेंशनल शेप, किसमें, थ्री डायमेंशनल शेप में आर कॉल्ड अमरफा सॉलिड। अमरफा सॉलिड क्या होता है हम लोग का, एक सूडो सॉलिड है। सूडो कहने का मतलब है सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। यहाँ पे एक बात आता है सुपर कूल्ड लिक्विड का, ठीक है। सुपर कूल्ड लिक्विड अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें कि वैसा सॉलिड जो टाइम, मतलब वो लॉन्ग टाइम के बाद उसमें एक फ्लो मोशन हो। फ्लो कहने का मतलब है कि वो पिघलता हो। जैसे कहने का मतलब ग्लास का टुकड़ा ले लें, ठीक है, एक ग्लास का टुकड़ा अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक, जैसे हम लोग पुराना बिल्डिंग वगैरह में देख सकते हैं जाके कि अगर ये जो पुराना बिल्डिंग में अगर ग्लास लगाया गया हो जो 50 या 100 साल पहले, उसके पहले जो उसका जो ऊपर का जो साइड होगा वो जितना मोटा होता है, ठीक है, जिसमें लगाया गया था, वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, टाइम टू टाइम ऊपर का जो ये शेप, ये जो साइड है वो क्या होगा, पतला हो जाएगा। पतला क्यों होता है, क्योंकि जो ग्लास होता है एक तरह से लिक्विड के जैसा ये फ्लो करता है बहुत ही स्लो मोशन में, ठीक है, वो टाइम टू बहुत धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस है। हम लोग एक बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ये हम लोग को पता चलता है, इसीलिए इसको क्या बोलता है, बोला जाता है अमरफा सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ATC। ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब का, इसके लिए मैं एक बुक जो रेफर करता हूँ, ये सब आप एक बार NCERT बुक को पढ़ें तो आपको बेहतरीन तरीके से ये सब समझ में आएगा। आगे फिर हम लोग देखेंगे ये दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। जैसे कि अभी हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमरफस सॉलिड में दो पॉइंट आया था, एक आइसोट्रॉपी मतलब वैसा अनआइसोट्रॉपिक
आइसोट्रॉपिक इन नेचर कहने का मतलब है वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी, वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे क्या होता है, कौन कौन सा, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटीसी, और मेजर अलोंग डिफरेंट, सबको मेजर किया जाता है अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में ये सब प्रॉपर्टीज को अगर अलग अलग मेजर किया जाता है तो ऐसा प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपी इन नेचर, ठीक है। जिस सबस्टांस में हम लोग को, फिर से, जिस सबस्टांस में हम लोग को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटीसी आर डिफरेंट, ठीक है, आर डिफरेंट मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मेजर किया जाता है, उस तरह के सबस्टांस में, इस तरह के सबस्टांस को एन आइसोट्रॉपी की नेचर बोला जाता है, ठीक है। और एन आइसोट्रॉपी इन नेचर जो पाया जाता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है। एन आइसोट्रॉपी इन नेचर की सबस्टांस पाया जाता है सॉलिड सबस्टांस में। अब बात आए आइसोट्रॉपी क्या है, वहीं आइसोट्रॉपी अगर देखा जाए तो आइसोट्रॉपी जो पाया जाता है आइसोट्रॉपी में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी में करने का मतलब क्या है, वही फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, आर सेम इन ऑल डायरेक्शन जब मेजर किया जाता है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में ये सब क्या होता है, सब सेम होता है, तब उस तरह का नेचर वाला प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। और आइसोट्रॉपिक इन नेचर जो होता है सबस्टांस, वो सबस्टांस वो उस तरह का जो सॉलिड होता है वो एमर्फस सॉलिड होता है। तो हम लोग देखते हैं डेफिनेशन में क्या है, ठीक है, जैसे एन आइसोट्रॉपी देखिए, द सबस्टांस, फिर देखिए द सबस्टांस वैसा पदार्थ विच हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, ठीक है, सच एज, जैसे अभी हम बात किए थे कैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब तीनों क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। वेन मेजर्ड, जब हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में, किसके, वो सॉलिड का, ठीक है, क्योंकि किसी भी सॉलिड का, तो इस तरह का जो प्रॉपर्टीज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एन आइसोट्रॉपी सबस्टांस। इस तरह का जो, इस तरह का प्रॉपर्टी किसी भी सबस्टांस में अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मेजर किया जाए तो उस सबस्टांस को हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक सबस्टांस, एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एन आइसोट्रॉपी, एन आइसोट्रॉपी, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, एन आइसोट्रॉपी। अब देखो हम जैसे बताए क्रिस्टलाइन सॉलिड और एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एन आइसोट्रॉपी इन नेचर होता है, ठीक है। वही देखें ऑन दी अदर हैंड, वही दूसरी तरफ, ऑन दी अदर हैंड वही दूसरी तरफ, ठीक है, एग्जैक्टली ऑन दी अदर हैंड वही दूसरी तरफ, द सबस्टांस, इसे द सबस्टांस वैसा पदार्थ विच हैज सेम, विच हैज सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर से विच हैज सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, और तो वहां क्या हो, फिजिकल प्रॉपर्टी सब सेम हो। When measured, जब क्या करते हैं हम लोग मेजर करते हैं along different direction, अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग मेजर करते हैं, और फिर से बात है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, वही तीन फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक सबस्टांस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोट्रॉपिक सबस्टांस बोलते हैं, एंड एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक की नेचर, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, आइसोट्रॉपिक नेचर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये हर जगह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमेशा एग्जाम में पूछता है एनिसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी में क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और एमॉर्फस सॉलिड क्या है, उसमें से हम लोग दो टॉपिक पढ़े, क्या एनिसोट्रॉपी क्या है और आइसोट्रॉपी क्या है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एनिसोट्रॉपी में पढ़े कि एक ही जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट पाया जाता है, जबकि आइसोट्रॉपी में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट जगह पे पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन किसके, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI फॉर 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, ये जो हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, मतलब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक बार ये 12th एग्जाम मैक्सिमम बार ये पूछता ही पूछता है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा अपने नोट में, नोटबुक में। तो हम देखते हैं क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉरी सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं
क्रिस्टलाइन सॉलिड में द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्या द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज, जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, अरेंज हो इन रेगुलर ऑर्डर में, किस में, रेगुलर ऑर्डर में, ठीक है। बोलता इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसका जो इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, या इसका जो रेंज ऑर्डर होगा बहुत ही लॉन्ग होगा। आगे बोलता है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत ही हाई होगा, ठीक है। आगे बोलता है दे गिव रेगुलर कट, जब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को, जब से हम लोग इधर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर इसको हम लोग कट करेंगे तो हम लोग का जो मिलेगा सरफेस कटने के बाद वो हमेशा रेगुलर वे में होगा, ठीक है। उसमें हल्का भी खुदरा सतह बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, रेगुलर वे में कट होगा, ठीक है। लेकिन जबकि हम लोग अगर एमर्फस सॉलिड को अगर कट करें, ठीक है, अगर एमर्फस सॉलिड है अगर ऐसे कट करें तो इसका जो हम लोग का सर्फिस एरिया जो ऐसे करके मिलेगा हम लोग को, यहाँ कुछ ऊपर नीचे कुछ, मतलब खुदखुरा यहाँ पे सतह मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस में होता था, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर ऑर्डर में, जबकि एमर्फस सॉलिड में था कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज इन इरेगुलर ऑर्डर, ये इरेगुलर होगा और ये क्या होगा, रेगुलर होगा। नेक्स्ट डिफरेंस जो है, इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, जबकि इसमें क्या होगा, हम लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, किसमें, एमर्फस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का बोलता है दे गिव रेगुलर कट, क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम लोग कट करेंगे तो ये रेगुलर वे में कट होगा, लेकिन जब हम एमर्फस सॉलिड को कट करेंगे तो ये किसमें कट होगा, हम लोग का इरेगुलर जैसे बताया अभी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है दे हैव एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, जबकि ये क्या है, ये एन आइसोट्रॉपी, ये क्या है, आइसोट्रॉपी, जैसे कि हम लोग अभी पीछे ही पढ़े एन आइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी क्या, एन आइसोट्रॉपी फिर से ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच है, जैसे हम लोग पढ़े थे अभी क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर डिफरेंट व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, अगर अलग अलग डायरेक्शंस में अगर फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे और अलग अलग मिलता है तो उस तरह के सृष्टांत को क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रॉपिक सृष्टांत। जबकि ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन, अभी जैसे हम फिर बोले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर मेजर्ड सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, उस तरह के सृष्टांत क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जबकि एनआइसोट्रॉपिक क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पे देखते देखते ही याद करने का प्रयास करना है और नोटबुक में ये सब को क्या करना है, नोट करना है, ताकि हम लोग का एक प्रॉपर नोट्स आप लोगों को मिल जाए। मैं जो नोट्स ये है और इसका फोटोकॉपी मैं टेलीग्राम पे आप लोग को उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आप प्रत्येक आपको ये वीडियो लेक्चर में हमको हम प्रत्येक वीडियो लेक्चर में आप लोग को इस ये मिलता ही जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे हम लोग देखें अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो पढ़े थे उसमें क्या, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या है, ट्रू सॉलिड है, ठीक है। जबकि हम लोग का एमर्फस सॉलिड क्या है, हम लोग का ये सूडो सॉलिड है, सूडो सॉलिड, या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड अभी बताए ही है, जैसे बहुत पुराने, अगर हम लोग पुराना इमारत या पुराना बिल्डिंग में देखें कि जो शीशा होता है लगा हुआ, वो टाइम टू टाइम उसका जो ऊपर का छोर होता है जो शुरू में था वो क्या होता है, धीरे धीरे पतला या नुकीला होने लगता है, पतला होने लगता है, वो क्या होता है, उसका ऊपर का जो सरफेस एरिया है वो पिघल के नीचे तरफ आ जाता है, नीचे मोटा हो जाता है, ऊपर पतला हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोला, सुपर कूल्ड लिक्विड। हम एग्जाम्पल देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या क्या होता है, NaCl होता है, पोटासियम नाइट्रेट होता है, डायमंड होता है, जिंक सल्फाइड होता है, जबकि इसमें क्या होता है, प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है, रबर होता है। तो ये जो दो पॉइंट है हम लोग का डिफरेंस जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड के एग्जाम से, तो आप इसको बढ़िया से अध्ययन करें और इसको याद करने का, रिमेम्बर करने का ये पॉइंट को प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।